बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो मैं अदरक लहसुन घर में पीस के उसको किस तरह से मैं सेव करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो तकरीबन 1 kg जो है वो गार्लिक है, लहसुन है उसको छील के, आधा किलो अदरक है जिंजर, और आधा किलो ही हरी मिर्चें हैं, ठीक है। 1 किलो लहसुन, आधा किलो अदरक, आधा किलो हरी मिर्चें, 1 kg गार्लिक क्लोव्स, 1/2 kg जिंजर एंड 1/2 kg ग्रीन चिलीज विद 2 लेमन जूस। अच्छा, ये जो है ये वो वाला बोतल वाला लेमन जूस नहीं है, ये ताज़ा है, ताज़े जो लीमू होते हैं दो का जूस। तो अब मैं इन सब को ब्लेंडर में डाल के पहले पीसूंगी, और फिर जब ये पिस जाएगा तो इसमें लेमन जूस मिलाऊंगी, क्योंकि लेमन जूस के एक तो इसका रंग चेंज नहीं होता, दूसरा 1 महीने तक ये फ्रेश रहता है। जी व्यूवर्स, तो ये देखें, ये पिस के ऐसा हो जाएगा, तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में और फ्रीज़र में भी। अगर फ्रीज़र में करेंगे तो जब इस्तेमाल करना हो तो इसको निकाल के किसी एयर टाइट जार में बंद करके, ये शीशे के जार में बंद करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप इसको फ्रिज में रख दें, जब डिफ्रोस्ट हो जाए तो वो यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट फ्रिज में भी रखेंगे, मैं रखती हूँ, तो ये 1 महीना आपका आराम से निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ व्यूवर्स शामी कबाब। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 मीडियम साइज़ का चॉप्ड ऑनियन, और 2 जो हैं वो स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन ऑनियन वो, और आधी गड्डी पुदीना, और 2 किलो कीमा है मेरे पास यहाँ पे, आप कोई भी ले सकते हैं, शामी कबाब मसाला है। और उसके अलावा मैंने दाल भी भिगो के रखी हुई है चने की, तकरीबन 1 घंटे से, ये भी इसमें जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने प्याज है ये मैं डालूंगी कढ़ाई में। जी, तो मैंने इसमें बिल्कुल ही 1 चम्मच तेल डाला है, बहुत कम, और उसमें मैंने जो नॉर्मल प्याज होती है मीडियम साइज़ की चॉप्ड, और 2 स्प्रिंग ओनियन चॉप्ड वो मैंने डाला है। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। जी, तो अब ये प्याज हल्का सा फ्राई हो गया, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस इसके ऐसे शक्ल हो। अब ये जो मेरे पास ताज़ा पिसा हुआ जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है वो मैं डालूंगी 1 स्पून, 2 बड़ी जो है वो खाने की चम्मच मैं वो डाल दूंगी, और इसको मिक्स करेंगे। अब ये मेरा हो गया, अब मैं इसमें कीमा डाल दूंगी, जो 2 किलो मेरे पास कीमा था। जी, तो अब बस 5 मिनट में कीमे को भून के इसमें, तो ये मेरे पास चने की दाल है, ये 2 किलो कीमा था और 1 कप चने की दाल, 2 किलो कीमा, 1 कप चने की दाल, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। जी, तो मैंने चने की दाल को भी तकरीबन 1 घंटा भिगोया था। अब इसमें आधी गट्ठी पुदीना, आधी गट्ठी पुदीना डाला हमने, आधी गट्ठी पुदीने के बाद 1 बड़ा पैकेट शामी कबाब मसाला, मैंने लजीज़ा का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। जी, तो अब आपको शामी कबाब मसाले के अलावा कोई और इसमें मसाले की ज़रूरत नहीं है, कोई नमक कुछ भी नहीं। अब वही मसाले वाले बाउल में मैंने पानी डाल दिया, तकरीबन 1 कप पानी, और अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके तो दम पे दे दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए, चने की दाल भी गल जाए और मसाला भी मिक्स हो। जी, तो ये गल गया और इसका पानी भी ड्राई हो गया सारा, अब हम इसको पीस लेंगे। जी, तो ये कीमा हमने पीस लिया है, उसके बाद इसमें 4 ब्रेड के पीस, ब्रेड क्रम्स करके फ्रेश, और इधर 1 प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें पिसी हुई, और 4 अंडे, ये अब हम इसमें मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। जी, तो ये सारा मसाला मिक्स होने के बाद इसको छोटा छोटा लेके हाथ में करके टैप,
तो कबाब बना लेने हैं इसके। इस तरह करके सारे कबाब बना लेने। जी व्यूवर्स, ये सारे कबाब बना लिए मैंने और मैंने ग्रीस प्रूफ पेपर रख दिया, जैसे एक कबाब बना के लेयर और फिर उसमें ऐसे करके। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी और एक दफ़ा फिर बस याद करवा दूं कि जब मैंने कल मसाला पीस लिया था सारा, तो उसमें मैंने 4 पीस ब्रेड क्रम्स के डाले थे और उसके अलावा मैंने उसमें डाला था 1 प्याज और 8-10 हरी मिर्चें और आधा गड्डी हरा धनिया जिसको मैंने ब्लेंडर में चॉप कर लिया था वो मिक्स किया था, और 4 अंडे डाले थे। अगर आपके पास 1 किलो कीमा है तो उसमें 2 अंडे, 2 किलो कीमा है तो 4 अंडे, लेकिन मेरे पास बड़े साइज़ के अंडे थे इसलिए 4, अगर छोटे साइज़ के अंडे हो तो वो 6 डलेंगे। उसका एक तो फ़ायदा ये होगा, एक तो बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपको बाद में अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं कबाबों को डीप फ्राई कर सकते हैं या पैन में शैलो फ्राई कर सकते हैं और आपको बिल्कुल उसके बाद अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।